बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, आज हमने बलूचिस्तान से सूबाई वज़ीर को दावत दी है, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान आवामी पार्टी से है। तशरीफ लाते हैं सूबाई वज़ीर बराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग नूर मोहम्मद दुमर। इधर आइए ना, मेरी बात सुने। बलूचिस्तान से इतनी दूर से लंबा सफर तय करके आप खास हमारे शो के लिए आए। बिल्कुल। तो बलोची टोपी तो लाए होंगे मेरे लिए। बहुत चीजें लाए। लाए प्रोग्राम के बाद। देखिए, वो टोपी मुझे खास तौर पे बाबा को भी देनी थी। कब से नंगा सर लेके घूम रहा है। अरे टोपी भी की लोड़ा इन एदे सिर ते हुक्के दी टोपी रख दे। हां, जैसे खुद ने रखी हुई है रूमी टोपी। तशरीफ रखेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, मेरी अगली मेहमान एक नई उभरती हुई अदाकारा और मॉडल हैं, जिनको आप डिफरेंट ड्रामों में अलग अलग कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। तशरीफ लाती हैं कर्शिफा राजपूत। क्या हाल है कर्शिफा? अल्लाह का शुक्र। आप यहाँ पे खड़े हो ना? की ना है ना दा? कर्शिफा। कर्शिफा सो हो पला। ले कर भला तो हो भला है, कर शफा तो हो शफा ही होगा ना। कर शफा, मुझे पता था मेरी मोहब्बत तुम्हें खींच लाएगी। मोहब्बत? अच्छा, उन्हें भी रिएक्शन हो ही देता कि ठीक है। क्या बात है पिता जी, आपके पास है कर्शिफा राजपूत। माशाल्लाह। हाँ। हमारे पास है जिन और भूत। जिन और मोहब्बत का भूत। ये मोहब्बत का भूत कब उतरेगा पता नहीं, मगर हम आपको पहले बिठा देते हैं। आइए जी। नाज़रीन, में तीसरे मेहमान एक मंझे हुए अदाकार हैं, जो पीटीवी के इब्तदाई ड्रामों से लेकर आज तक मुख्तलिफ किरदारों में नजर आते हैं। तशरीफ लाते हैं और लिविंग लेजेंड खालिद बर्शाह। मियां जी वारिस अली। मियां जी वारिस अली, जाने मान जाने जी का परिपैक करा है। शहजादा। क्या आप? हाँ तो मेरे कद से भी ऊपर हो गए। इतनी मुश्किल से तो शहजादे को तुम्हारे लिए पाला था। क्या बात है। अब अल्लाह करेगा एक ना एक दिन वो जो जैसे सीजन टू वगैरह आते हैं, जब सीजन टू होगा तो मैं आपके लिए वो शहजादा संभाल कर। अरे क्या बात है सारी। और बट साहब एक बात बोलूं, आपको अपना कद ऊंचा करने के लिए इसके ऊपर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो किरदार है, आपका जो काम है, पूरी इंडस्ट्री जानती है, वो इतना बुलंद है कि आपको अपना कद बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या बात है। लेकिन बात यह है कि जितना प्यार शुरू से बेटियों की तरह फिजा ने मुझे दिया, तो इसके बराबर जाने के लिए मुझे किसी न किसी सहारे की जरूरत जरूर रहती है, और वो है हमारे बाप बेटी का प्यार। आए हाय, आई लव यू। देखे बाबा, ए होंदे ने खानदानी लोग। माशाल्लाह। तू जो जेड़ी भी कुड़ी आंदी है कर्शिफा, तुम तो मेरी मोहब्बत हो। डुब के मर जा बाबा। तो कर्शिफा ने अगर कड़ा ना कर दी थी, वो भी तो कड़ी। नहीं तो मोहब्बत जो है वो पिदरी मोहब्बत भी तो होती है ना। आए हाय, नूर मोहम्मद दुमर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप खास तौर पे कोयटा से हमारे शो के लिए यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। जी जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए ना, कैसा चल रहा है सब कुछ? हुकूमत कैसी जा रही है? बलूचिस्तान की हुकूमत बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रही है, जबरदस्त। तो आप तो मिलके चला रहे हैं ना पीटीआई के साथ? जी जी, पीटीआई हमारी इत्यादि है बलूचिस्तान में। अच्छा, तो हुकूमत चला रहे हैं। क्या नया हो रहा है अभी बलूचिस्तान में? क्या काम हो रहे हैं, क्या प्लानिंग्स है, जरा खुल के बयान कीजिए ना। बिल्कुल, बलूचिस्तान में पहले की नस्बत जो पहले हुकूमतें थी उसके नस्बत हमारी हुकूमत ने बहुत से कारनामे इस तरह है जो सर अंजाम किए हैं। मिसाल के तौर पे नंबर एक कारनामा। जी जी, मिसाल के तौर पर सबसे पहले बात यह है कि हमारी वहाँ पे मखलूत हुकूमत है। अच्छा। और सीएम बलूचिस्तान हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के है और एक ज़ैन और अनेस्ट बंदा है। ठीक है। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की तारीख में ये पहली बार बलूचिस्तान को एक ऐसे सीएम मिला है जिस पे पूरे बलूचिस्तान को पहाड़ है। क्या बात।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਨੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਮੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਨੇ ਇੱਕ ਲੂਮੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੂਮੜ ਸਾਹਿਬ। और ये है नूर मोहम्मद दुमड़ और बाबा है गुमड़। निकाल के बैठा हुआ होता है, कब से बोला है सीधा बैठो, तरीके से बैठो, बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है। हर वक्त घर वाली की तरह बोलती रहती है। मतलब घर भी कोई इज्जत नहीं। बाबा बेटियों को भी तो अपने बाप को समझाना चाहिए कि अबू जी ये ठीक नहीं है, है ना? नहीं तू समझा रहे जी, तू डायरेक्ट पौले मारन नहीं। अच्छा जी, कशिफा कैसी है, क्या हो रहा है? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, बस काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। तो जो थोड़ा थोड़ा काम है वो क्या हो रहा है? अभी एक ड्रामा कर रही हूँ और कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं। ड्रामेबाजी चल रही है? हाँ। कितने मजे ड्रामे करो, लेकिन मेरे साथ ड्रामा ना करना। अच्छा पहले तुम अब्बा जी वाला टोन रखे, तुम दादा जी वाला रखे। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇਗੀ। ਉਨਕੇ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਢੂੰਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਮ ਐਨ ਮੌਕੇ ਪੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਅਜੇ ਕਸ਼ਿਫਾ ਬਤਾਈ ਜੀ, ਅਭੀ ਤੋ ਪੀਟੀਪੀ ਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਦੂਧ ਕਾ ਧੁਲਾ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਨ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 52 ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਅਭੀ ਉਸਕੇ, 25 ਤੱਕ ਹਮ ਲੋਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੈਰੇਕਟਰ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਕਾ ਉਸਮੇ? ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਕੀ ਵਾਈਫ ਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਵੋ ਸਾਰੀ। ਅਸਲ ਆਪਕੇ ਘਰ ਕੀ ਸਟੋਰੀ? ਡਰਾਮੇ ਮੈਂ, ਡਰਾਮੇ ਕੀ, ਡਰਾਮੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਹੈ ਉਸਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡਰਾਮੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ। ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਹੋਗਾ ਏਕ ਔਰ ਲਵ ਸਟੋਰੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਭਾਈ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਚ ਵਿਖਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਉਨਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੂਧ ਸੇ ਧੁਲਾ, ਉਸਕਾ ਸੀਕੁਅਲ ਬਣਾ ਲੇਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੇ ਧੁਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸਕਾ ਡਰਾਮਾ ਆਏਗਾ, ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਧੁਲਾ। ਤੋ ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਖਾਲਿਦ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਤੇ ਇਤਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਨੋ ਆਪ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਕਾਮ ਕਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕਾਮ ਹੋ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਓ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਬਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਬਲ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਵਾਹ ਆਉਣੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀ ਹੈ ਉਤਰੋ। लेकिन आपके प्रोग्राम में ऐसी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी की राह दिखाई है, जिन्होंने मुझे मेरी आखिरत संवारने की कोशिश में मेरा पूरा साथ दिया है, मुझे उंगली पकड़ के शुरू किया। तो मैं जूं जूं इस प्रोग्राम के बारे में सोचता, एक तरफ बेटी बैठी हुई है, एक तरफ मेरे छोटे बेटे हैं, वो भाई हैं जवाब साहब, तो मैं बहुत घबराया घबराया सा था। तो मैं दिल से नहीं इनको कुछ कह रहा, ये सिर्फ ऐसे कारोबारी के लिए मैंने इनको। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। अजय नूर साहब, आप ये बताइए कि बलूचिस्तान की तरक्की की जो रुकावट है, लोग कहते हैं कि वहाँ के नवाब और सरदारों की वजह से, इस बात पे कितनी हकीकत है? यकीनन ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। अभी वो दौर नहीं रहा, अभी एक बड़ी तब्दीली आ गई। अच्छा। तकरीबन अभी लोग जो है वोट किरदार की बुनियाद पे, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे देते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं भी एक ना नवाब का बेटा हूँ, ना कोई सरदार का बेटा हूँ, मैंने भी तकरीबन कोई 15-20 साल मुसलसल। तो आप किसके बेटे? मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ, मैं एक मुलाओं से, सरदारों से, नवाबों से 15 साल उनके साथ मुकाबला करके आखिर अवाम ने मेरे हक़ में फैसला दे दिया। नवाब का बेटा हूँ, मैं नवाब का बेटा हूँ। मैंने पता किया, मैं क्या तुम केड़े नवाब हो? हाँ। वो पता चला अब्बू का नाम था नवाबदीन। दोवे एक बारी कहते ने
ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੈਲਡਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਪੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਪੇ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਖਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰੋਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦੀ ਥੀ, ਕਿਆ ਖਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਕੇ ਘਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛਲੀ, ਉਹ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। अच्छा कर्शफा, सुना है कि बचपन से आप शोबिज इंडस्ट्री में अपना करियर बना रही हैं, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा बताइए ना। मुश्किलात तो बहुत थी, सबसे पहले तो घर से, क्योंकि परमिशन नहीं थी। जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक है, मेरे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो बिल्कुल चाहते ही नहीं थे कोई। तो बचपन से आपको शौक था और आप चाह रही थी काम करना? शौक था, जब टीवी देखती रही, शौक तो था, लेकिन ये शौक कभी मैंने जाहिर नहीं किया था। अब्बू के सामने कभी बात भी नहीं कर सकते थे हम लोग। अच्छा। इतने सख्त थे मेरे अब्बू। मैं बात अपनी मनवा लेती थी क्योंकि अब्बू मेरे से बहुत प्यार करते थे। खाना नहीं खाती थी, भूख हड़ताल करके ना अपनी बात मनवा लेती थी। फिर मैंने मना लिया घर वालों को, फिर टीवी गई, आवाज़ बहुत ज़्यादा बारीक थी मेरी, क्योंकि घर से ही अब्बू ने ना शुरू से प्रेशराइज इतना किया। जाहिर सी बात है, आवाज़ प्रैक्टिस में नहीं थी ना, हर वक्त बंद रहती थी, मुंह बंद रहता था, अब्बू के आगे आवाज़ ही नहीं खोल सकते थे। तो प्रैक्टिस में जिनकी आवाज़ नहीं होती है ना, तो फिर उनकी आवाज़ पतली ही होती है। कि मतलब अब्बा जी की करते सन के जेड़े बच्चे ने तंग किया उन्हें टिक टिकी ते चढ़ा के डांगा मारांगा। नहीं नहीं, उनकी आदत ऐसी थी ना, रौब था उनका घर पे। वैसे तुम्हारी गल तो लगा कुछ नरम मजाज सी। अरे चाचे थे अपा जी, सवेरे सवेरे भी बड़क मारते सी, ओए बच्चे उठ जाओ नहीं तो वट के कुत्ते आके पा दे। नहीं नहीं, वैसे बाबा जी की करते सन, किन्ने क जालिम सन? जालिम नहीं थे बिल्कुल भी, बहुत अच्छे थे। बस एक उनका अपना स्टाइल था ना, जैसे अच्छा। होता है हमारे फैमिलीज में, जैसे होता है हमारी फैमिली में नहीं होता, हमें नहीं सामने में बिल्कुल शामिल करो। नहीं नहीं, मतलब हमारी राजपूत फैमिली में। अच्छा राजपूत। हाँ वो तो राजपूत ही जैनपूत। ओ अपने अब्बू जान दी गल कर रहे ने, तुसी ते इंज गल्ला कर रहे हो जैसे ताडे अब्बू दा जिक्र हो रहा है। अच्छा तो आप अब्बा जान का बता रही थी कुछ? आप क्यों शर्मा रहे? जान थे आपके? नहीं मेरे भी हो सकते हैं। नहीं नहीं अंकल। अंकल अंकल गीता ना। ओ दादा वो भी कह सकती थी। उसके अब्बू का रब दबा है घर में, है ना, ये आपको कबर में दबा के बोलेगी अब्बू दबा। अच्छा बट साहब आप बताइए ना, आपने भी इतने सारे कैरेक्टर्स परफॉर्म किए, आपके दिल के करीब कौन सा कैरेक्टर है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? फिर ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। लव लाइफ और लाहौर में जो किरदार है उसमें सारे के सारे मुझे अपने वालिद साहब नज़र आते थे, और मैंने मेहनत से उसे किया है कि लोग कहते थे कि हम इंतज़ार में रहते थे कि कब आप उठते वक्त हाथ आपका कांपे ना या वो ना चले। और असल में बात यह है कि जिधर देखता था यूँ लगता था मेरी अपनी सगी औलाद जो है वो मेरे इर्द गिर्द है। वहाँ जाता मियां जी वालिद अली कैरेक्टर का आप बयान कर रहे हैं, मैंने कहा बता दूं सबको। तो एक तो वही था, और दूसरा ये है कि 416 एपिसोड आज भी लोग पूछते हैं कि वो अचानक क्यों बंद हो गया। मैंने कहा वो मालकान चाहते थे कि पुरानी स्क्रीन को बदल के नई बदल ली, तो वो भी रूटीन जैसा हो गया। तो लव लाइफ और लाहौर मेरी ज़िंदगी में ऐसा रोल है कि जिसके बाद मुझे पीपी के लिए भी सिलेक्ट किया गया होगा, और दूसरा ये कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऊपर माफ़ कर दिया होगा कि मैं अपने बाप की नाफरमानी करके फिल्म लाइन में आया था, वरना ऐसे इज्जत नहीं मिल सकती जब तक अल्लाह ना चाहे और जब तक बाप माफ़ ना करे। तो लव लाइफ लाहौर ऐसा था जिसका लोग इंतज़ार करते थे, और बहुत अरसे के बाद एक ऐसा सीरियल था जिसके अदाकारों को उनके करेक्टर्स के नाम से लोग बुलाते थे कि भाई मियाँ जी है, परी पैकर है, फलानी है, फलाना है, फलाना, आपको भी फिजा से ज़्यादा आपको आपका जो नाम है लुबना हमीद, लुबना हमीद, लुबना हमीद। और ये इन्वॉल्वमेंट की बात है, वरना 3 महीने में आया सीरियल चला गया। सोना चांदी का ज़माना था या वारिस का ज़माना था, उसमें तो उस वक्त एक ही चैनल था, तो लोग करेक्टरों को करेक्टरों के नाम से पहचाने जाते थे। नाज़रीन हमारे मुल्क के पुलिस महकमे में इस्लाहात हो रही है, आइए देखते हैं कि थाना कल्चर कितना तब्दील हुआ है। टेक अ लुक। और मैनू कल एमी कल मेरे घरों मैसेज आया। फिर क्यों? अच्छा भी लियाकू बाटर ने आया थे थाना, मैं दंदा छड़ा में ये आर्डर उतो आ गए ने, मैं दंदा छड़ा, समझे मेरी गल नु? उतो आर्डर एक बंदा उते बैठा से, उने आर्डर कीता ते ने थल्लो थाना ला लिया। ए लाया लियाकू बाटर ने, मैं दंदा छड़ा ते तुसी समझदे होर को गल है?
ਓਏ ਆ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਕੀ ਘਾਲਤਾ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਲਾਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਘਾਲਤਾ ਹੋਵੇ ਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਫੜਨਾ ਕਰਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਮਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਚਰਸ ਪਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇੜੀ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਚਰਸ ਪਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਸੜ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਔਰ ਘੰਟੀ ਕੇ ਬਟਨ ਕੋ ਦਬਾ ਦੇ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈਕਸ ਇਨ ਕੋ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਉਤਨੀ ਆਪ ਕੋ ਦਵਾਈ ਦੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਟੀਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਟੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਟੀਰਾ ਕਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਟੀਰੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸਭ ਗੱਲ ਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਇੰਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਔਰਤ ਆ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਆ ਥਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਮਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਹਾਈ ਆਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਹਲੋ ਇਧਰ ਆੜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਸਲਟੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਧਰੋਂ ਯਾਰ ਕੰਸਲਟੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦਾ ਠਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਐ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਪਰਿਆ ਆਈ ਓਨਲੀ ਲਵ ਫਾਰ ਦਿਸ ਕੈਨ ਵੀ ਟਾਪਿਕ ਫਰਮਾਈ ਓਏ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਔਲਾ ਪਾ ਦੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਓਏ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਨ ਦੇਤਾ ਚੱਲ ਰਜ਼ਾਨ ਦੇਤਾ I want to complain against someone. Oh, okay, okay, okay. I love you too. Yeah? yes, yes. Of course, many times. ਔਰ ਐਵਰੀ ਸਿਟੀ ਕੈਨ ਲਿਆ ਕੋ ਬਾਟੂ ਆ ਲੈ ਖਾਉ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਆ ਆ ਆ ਇਸ ਪਰ ਬੜੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਯਾਰ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਯੂਕੇ ਗਿਆ ਥਾ ਯੂਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਂ ਕੂੜੇ ਮੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਥਾ ਤੋ ਵਾਂ ਪਰ ਗੰਦੇ ਫਰੂਟ ਇਸਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਇਸਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆੜ ਆੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਨੋ ਮੈਨ ਮੈਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਵਾਨੀ ਹੈ ਯੈਸ ਵਾਟ ਵਾਟ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੇਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾੜੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਾੜੀ ਖੜੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਮਸਾਇਆ ਗਾਗਾ ਜੀ ਏ ਆੜ ਆਈ ਗਾੜੀ ਡੀ ਡੀ ਰੀ ਗਾੜੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਪਹੀਏ ਬਣਾ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਣਾ ਥੱਲੇ ਪੀ ਪੀ ਲਿਖ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਹੈ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਲਿਆਕੂ ਬਾ ਟਾਈਮੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹਮਸਾਏ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮੁਝੇ ਮੇਰੀ ਗਾੜੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਮਸਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਟੋਨੀ ਯਾਰ ਟੋਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੋ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੰਪਲੇਨ ਆਪ ਲਿਖ ਲੈ ਇੱਧਰ ਹੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਨਾ ਟੋਨੀ ਜੋ ਐਸੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਾੜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਗਾੜੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨੇ ਕੀ ਟੋਨੀ ਗਾੜੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਗਾੜੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨੇ ਗਾੜੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਕਾ 112 ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਟੋਨੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਹਮ ਜਾਣੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੂ ਬਾਟ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਗੀ ਯਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 100 100 ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਯਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਚੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ 100 100 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇ ਤੇ 50 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇ ਦੇਖ ਇੱਥੇ 100 100 ਪਵਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਏਗੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ
ਐ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਆਮਲ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਰਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚੱਲੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੋ ਆਪ ਲੋਗ ਵਾਹ ਪੇ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਹ ਪਿਆਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆਈ ਜਿੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਓ 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 ਬਿਸਕੁਟ ਰਵੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ वेलकम बैक यू वॉचिंग तारों से करे बातें। आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर एक गेम करने लगी हूँ। सेगमेंट का नाम है लगाई बुझाई सेगमेंट। मैं आप लोग से एक एक करके सवाल करूँगी और कुछ ऑप्शंस दूंगी, उसमें आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। ऑप्शन लेनी है कोई एक जरूर, ये गेम का रूल है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला आपके साथ सवाल है, इनमें से किस सियासी रहनुमा को सियासत से रिटायर हो जाना चाहिए? असलम रईसानी, अख्तर मेंगल या फिर जाम कमाल खान? असलम रईसानी साहब, उसने अपने वक्त गुजारा है और अपने खिदमात बलूचिस्तान के लिए पेश किए होंगे। अख्तर मेंगल, अख्तर मेंगल ने भी, जाम साहब अभी एक नया चेहरा मैदान में उतरा है तो उसको कम से कम अभी चलाना चाहिए सिस्टम, क्योंकि बलूचिस्तान के आवाम की उम्मीदें इन्हीं से वाबस्ता है। इन्होंने कहा है कि असलम रईसानी और अख्तर मेंगल, उन्होंने इतने टाइम जो है वो सियासत की है, वो चलाई है हुकूमत, तो इन लोग से नहीं चल रही थी, इन लोगों ने बहुत बुरी चलाई है, बहुत बुरी सियासत की है, इन लोगों को काम नहीं आता, कक सियासत आती है, इनको रिटायर पहले ही हो जाना चाहिए था। अब सिर्फ और सिर्फ जान कमाल खान जो है हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, वो काम अच्छा कर रहा है, उसे सियासत में होना चाहिए, इन्होंने कहा। करशफा आप ये बताइए, किस अदाकारा पर बिल बतौड़ी का कैरेक्टर बहुत जचेगा? ऑप्शंस में है मीरा, सबा हमीद जी, हिना दिलपजीर जी। मीरा। और मेरी बहन मीरा जी, देखें इतना बड़ा नाम है आपका, उसके बावजूद ही कह रही है कि मीरा जो है वो बिल बतौड़ी लगती है, उनकी बिल्कुल पर्सनैलिटी भी वैसी है, वही वाले कैरेक्टर किया करें। और किसी ड्रामे में अगर नहीं है या फिल्म में कोई कैरेक्टर नहीं है तो आपको बुला के करवाया करें, क्योंकि उसमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी आपको, यही था। बट साहब आपसे सवाल है, इनमें से कौन से अदाकारों को अब अदाकारी को खैर बात कह देना चाहिए? फिरदौस जमाल साहब, महमूद असलम साहब या फिर इरफान कूसट? अपने काम के इस कदर यकता लोग हैं कि इनसे पहले मैं अपने आप को रिटायर करने को तैयार हूँ, इन पर कुर्बान होने को तैयार हूँ। ये तीनों दोस्त ऐसे लोग हैं। क्या बात है। बट साहब ये कह रहे हैं कि देखें मेरा बोलना बनता नहीं है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो दिल में ही रखूँगा, मैं अपने पे मिसाल रख के बात कर लेता हूँ कि अगर ये इंडस्ट्री नहीं छोड़ेंगे फिरदौस जमाल या फिर महमूद असलम साहब या फिर इरफान कूसट साहब, तो फिर मैं ही इंडस्ट्री छोड़ देता हूँ। आप पूछ लीजिए मेरे साथियों से, हराम है जो कोई भी आपकी बात पर यकीन करे। नूर साहब आपसे सवाल है, बताइए इनमें से कौन सा सियासतदान है जिसे आप सबसे ज्यादा चुगलखोर समझते हैं? हाय वो चुगली लगाता है। ऑप्शंस में है जान मोहम्मद जमाली, नसीबुल्ला मरी या फिर तारिक खान मक्सी। तारिक मक्सी साहब सीनियर सियासतदान है जो कि बार बार मुंतखब हुआ है। हाँ। और हमारे सीएम साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से एक है। अच्छा, तो वो उनके करीबी आदमी है, करीबी दोस्त है और सीनियर पॉलिटिशियन है वो। तो ये फिर बताते ही होंगे कि ये देखें, ये हो रहा है, मामलात पे तबसरा करते रहते हैं। हाँ। मामलात पे तबसरा करते हैं। सी साहब आपका काम बस यही है, जैसे कुछ ना कुछ इधर उधर की आग लगाते रहते हैं। अगर आप अपने ये काम छोड़ दें, ये कह रहे हैं नूर साहब, और सियासत पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो आप अच्छे सियासतदान बन सकते हैं। ये लगाई बुझाई वाला काम छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे तो आपको ये हुकूमत छोड़नी पड़ेगी, ये कह रहे हैं। नूर साहब घबराओ ना, ने फप्पे कुटन जो पीएचडी की थी जे। करशफा आप बता दिए मुझे यहाँ पर, किस हीरो को अपनी अदाकारी पर तवज्जो देने की जरूरत है? थोड़ी सी माठी परफॉर्मेंस देते हैं ऑन स्क्रीन, फवाद खान, शान, शेरियार मुनव्वर। वैसे तो तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर अदाकारी पे तवज्जो देनी चाहिए तो फिर तो मुझे तीसरा वाला नाम ही लग रहा है। तीसरा वाला नाम क्या है? शेरियार मुनव्वर। अच्छा, शेरियार मुनव्वर साहब आपके लिए कह रहे हैं कि फवाद खान जैसी एक्टिंग और शान साहब जैसे सुपरस्टार जैसी परफॉर्मेंस आप ऑन स्क्रीन नहीं कर पा रहे, बहुत माठी परफॉर्मेंस देते हैं, आप फिल्में ना करें, ये डायरेक्टरों के साथ दोस्ती यारी पैदा करके फिल्में लेते हैं आप, ना करें ऐसा, क्योंकि हम आपको देखना नहीं चाहते, जैसे एक रुपया भी खर्चा करके आपकी फिल्म के लिए सिनेमा हॉल हम नहीं आएंगे, टेंगा। अच्छा जी, बट साहब गौर से सुनिएगा, अगर मौका मिले या किरदार की नौयत ऐसी हो तो इनमें से कौन सी अदाकारा के साथ हीरो का किरदार निभाएंगे आप?
ऑप्शंस में मीरा जी, महविश हयात, सज्जल अली या फिर कोई और। अभी रिसेंटली मैंने, मैं पंजाब, मैं लंदन नहीं जाऊंगा की शूट की है, तो मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा महविश हयात साहबा को देखा भी है। तो उनके बारे में जो अफवाहें वगैरह गर्दिश कर रही थी जी, 4 बजे से पहले नहीं आती ये, वो 7 बजे वो विद मेकअप रेडी थी बहावलपुर गुलजार महल, उसमें महल के अंदर, गुलजार महल में बहावलपुर में। अच्छा। तो और सज्जल अली जो है वो, उसके साथ मैं काम कर चुका हूँ, वो बहुत डूब के गए, उससे मुझे ख़तरा ही रहता है कि पता नहीं किस वक्त वो क्या परफॉर्म कर जाए। मैं समझ गई, देखें इन्होंने सज्जल के लिए तो कह दिया साफ कि वो ऐसी परफॉर्मर है कि उसके साथ तो काम करते हुए बहुत डर लगता है, मैं हीरो कैसे आऊँगा, मैं तो उसका हाथ पकड़ के उसको किसी गाने में स्विंग नहीं करा सकता, सज्जल से तो मुझे बहुत डर लगता है। रही बात महविश की, मैं चाहता था कि महविश हयात के साथ एज अ हीरो किसी फिल्म में ऑन स्क्रीन रोमांस करूँ, डुएट गाने गाऊँ, ये मेरी ख्वाहिश थी। आज यहाँ पर खालिद भट्ट साहब ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है महविश हयात के लिए। मैं वो याद भट्ट साहब तुमसे प्यार करेंगे ता याद। इस तरह की मखलूक आपके बलूचिस्तान में भी होती है या नहीं? बड़े खतरनाक है, इस तरह नहीं देखेंगे। नूर साहब आ, इस सैमा दी भी गल सुनो। मैं क्या अल्लाह को रैम मंगो, सैमा सड़ भी जाए तो यहोजी नहीं होनी। और तुसी तां मैनू रल के इंज पै गए हो जिवें एसी कोस्टर नूं रक्षे पैंदे ने। आ बाबा स्टेशन ते हस रहा सी, ओह क्यों? मैं कहा बाबा जी की होया? कहिंदा जिहड़ा मैनू बंदा चढ़ाउण आया सी ना, ओह आप ट्रेन ते चढ़ गए। ए बाबे ने अपने मुर्शदां को मार खाधी। ओह क्यों? मुर्शदां नूं मिलण गया तो उत्थे इक होर मरीद आया सी, ओह कहिंदा मुर्शद जी मैं बड़ी दूरों आया। कहिंदा मुर्शद नूं मानदे ही दूर वाले, लागे वाले ते पछाणदे ही नहीं। ए वी अपने मुर्शदां नूं साइकिल ते पिछे पा के जाउण डिया सी, हां थक गया। कहिंदा मुर्शद हुण साइकिल तुसी चलाओ, तुहानू कंड होण डई। ओए मेरियां गल्लां दा जवाब कौन देगा? ओए ओ तैनू मैं दसांगा। अच्छा हर बारी ये कहिंदा कि दसो मैनू ए कौन कहेगा, ओह कहिंदा तैनू मैं दसांगा। जदों इकट्ठे हुंदे ने ये गल नहीं करदे, अगों होर गल्लां करके टुर जांदे ने। करशफा जी, जी असीं तुहाडे बड़े ड्रामे देखे ने, तुसीं वी साडियां फिल्मां देखियां ने कि नहीं? हाँ जी, बस एक दो वेखी। लोकां दीआं फिल्मां ते रिलीज हुंदीआं ने, इहनां दीआं फिल्मां जलील हुंदीआं। अगों नवीं फिल्म बना रहे ने हुण, पहले देख ना हीर मांझा, हुण बना रहे ने खान मांझा। इहदी इह फिल्म सुपर डुपर फ्लाप होई है, इलाज नहीं कराऊंगा। इस तरह ते फिर इहनां दे वज़ीर आला ने वी फिल्म बनाई है, पंजाब नहीं चलाऊंगा। आपने वो फिल्म नहीं देखी इनकी, प्लेटलेट्स नहीं बढ़ाऊंगा? एना दी भी फिल्म आई है, गरीब मार मुकाऊंगा। ओ एना दी भी फिल्म आई है, लुक लुक के रोटियां खाऊंगा। ओ खान साहब दी भी 1.5 साल तो फिल्म चलन रही है, महंगाई और बढ़ाऊंगा। खान साहब की तो वो फिल्म बड़ी मशहूर हुई है, गरीब को जीने नहीं दूंगा। एदी सब तो थक्की फिल्म पड़ा केड़ी सी? केड़ी? एहतसाब कहूंगा जरूर, करूंगा नहीं। इनकी सबसे डब्बा फिल्म जो है ना, वो है टैक्स लेकर दिखाऊंगा। और यदि जड़ी थोड़ी जी नहीं फिल्म चलन रही है ना, और पनागा है। एक ऐसी फिल्म और भी आ रही है। केड़ी? नवाब ऑफ सब्जबाग। वाह वाह वाला। अगर भट्ट साहब माशाल्लाह, फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, क्या कहने। इन्होंने एक शो से सवाल होया, भट्ट साहब कितों पैदा होए सी? भट्ट साहब कहते पता नहीं यार, मैं तो बहुत छोटा जिहा सी। आ लाडले खान ने भी छोटा जिहा डड्डू घर रखिया। फिर मैं कहा खान साहब ये डड्डू क्यों रखिया? कहिंदा गड़ैं गड़ैं करके सवेरे मैनू जगाउंदा है। इन्हें भी छोटा जिहा गड़ैं गड़ैं घर रखिया। मैं कहा क्यों रखी? कहिंदा डड्डू करके मैनू जगाउंदा है। इहदा गौर नाल मूंह वेखदे फ्रिज शनाख्ती कार्ड रखिया हुंदा। और इहदा मूंह वेखो जिवें शनाख्ती कार्ड ही फ्रिज रखिया हुंदा। कैसा मौला जट गया डॉक्टर कोल। फिर उहनां नूं कहिंदा जाके मेरे फेफड़िआं च पानी है, ते डॉक्टर ने 3 वेपर लिख दिते। ये भी डॉक्टर को चला गया। अच्छा डॉक्टर साहब मैनू ठंड बहुत लगती, उन्हें 2 स्वेटर लिख दिते। ए विक्की साहब 4 महीने चोरां नाल जांदे रहे ने, फिर इन्हां दे बुल्लां ते पैर रख के टपदे सी। मौला जट गया डॉक्टर कोल, कहिंदा जी मेरा खून टेस्ट करके देखो किस चीज़ की कमी है। उन्हें टेस्ट कीता, उन्हें कहा जी हया की कमी है। अच्छा अच्छा भी गया डॉक्टर को, डेंटल को गया, कहिंदा जी मेरे दंदां च कीड़ा वा। डॉक्टर कहना तू महीना खा ही कुछ ना, अपनी भुख ना मर जू। ए भी गया
डॉक्टर को। डॉक्टर नु जाके कहंदा मैनू बड़ी जलन हो रही है। डॉक्टर ने क्या कहा दे तो कहंदा मेरे भरावां दा काम बड़ा अच्छा जा रहा है। अच्छा एहो जी बिल्ली आप ही बोल के ते आप ही डर जांदी म्याऊं काऊं। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पे होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुनने को मिलेंगी? तो आज पहली खबर के लिए निर्मल क्या है? चीन के एक शहर ने अगले 2 साल में ऐसा मस्नूई चांद बनाने का ऐलान किया है जो रातों में चांद की तरह धीमी रोशनी फराहम करेगा। लो जी ये जड़ा चांद है ना ये 4 साल ही चढ़ेगा। ओ क्यों? ओ चाइना का ना कितना को चलेगा। वैसे बच्चों से भी बड़ी सहूलत हो जाएगी हुन। पहले बच्चे कहते मामा चंदा मामू लेना, हुन जिन्हां दे मुल्ले च नहीं चंद चढ़दा चाइना दा ले सकदे ने। ये जो शहर का मेयर है ना इसको बचपन में ही लोग कहते थे ऐ वड्डा होके कोई चन्न जरूर चढ़ाएगा। ए चाइना ने हौली हौली सारिया चीजा बना लेनिया। सूरज भी अपना बना लेना, रात भी बना लेनी, जदों चाहना रात चढ़ा लेनी, जदों चाहना दिन चढ़ा लेना, जदों चाहना लौटा वेला कर देना। आ वेख लो चाइना ने किन्नी तरक्की कर ली आ कि अपना चन्न बना लिया। असीं इत्थों बैठे कही जाने खैर दा चढ़े। पहले तो मामा तारीफ करे एक दूसरे बच्चे की, हाय तुम्हारा बेचा तो चांद जैसा है। तो दूसरी माँ कहती थी मैं की कहवा, हूँ उन्होंने भी मौका मिला, नहीं नहीं तुम्हारा बेटा भी चाइना के चांद जैसा है। आगे चलेंगे। अब चलान हुआ तो सौतन ले आऊंगा। दुबई के खावंद ने बीवी को धमकी दी तो दोबारा कभी चलान ही नहीं हुआ। नेचर औरतों की इको जी होंगी, भावे पाकिस्तानी हो जिस तरह रोना पा देना होंगे ने, अरबी औरत ने भी रोना जरूर पाया होगा। अंत हबीबी अलल सुल में तशद्दद वला लफाफर अल मकदार वला धमकी अलल सौतन वला ना वला बर्दाश्त अल औरत अल लफाफर अल मकान वला लगाड़ी अल चलान वला साल वला खर्चा या अल्लाह वला मकसूद वला लाइसेंस अल कैंसिल अल रिजाल अल नाम अल सय अल इंसान अल जालिम ولا دمكي ولا لا صوتنا ولا لا عمد ولا لا مكانا ولا نام ولا لا برداش ولا لا صوتنا ولا صوتنا ولا لا ناغنا ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਗਈ ਸੌਤਨ ਤੋਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਤਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਹਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ। ये चाचे जैसे बंदे ना इन्हें दूसरी शादी करने का शौक होता है। बेगम की कोई गलती हो ना हो उसको सुबह उठ के ऐसे ही धमकी लगा देता है, ऐ तैनू वाला अरा पराठा नहीं ना बनाना आंदा, मैं दूसरी लेके आ ही रहा हूं। और क्या खबर है? गधे चोरी की दरख्वास्तों के बाद कीनिया की हुकूमत ने गधों को जिबा करने और उनकी खालें बरामद करने पर पाबंदी लगा दी। चाचा जिंदगी चाहते हो तो कीनिया चले जाओ, मानो तुम्हें कोई जिबा करेगा ना तुम्हारी कोई खाल उतारेगा। ए पाबंदी कीनिया दे खोतियां दे वे, इन्हां खोतियां ते नहीं। आ सोचो पाकिस्तानी खोतियां दा की बनना। सारे खोते बाहर सड़कां ते खलोगे एक दूजे नूं कोणियां मार मार कह रहे ने ओ कीनिया दे वीजे लवा लो ए। ओ जे 4 दिन जिंदगी दे कढ़ने ने ते। और मैनूं पता लगा नसीम कुकड़ी ने लवा भी लिया। मेरा ते 1 महीने दा लगा तुहाडा, मैं मल्टीपल लवाया। ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਲੰਮੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ? चीन में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 80,000 जबकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस माहिरीन की तादाद 3 लाख से भी तजावज कर गई। ओ बंदे मशवरा देंदे ने फेसबुक दे उते जिन्हां नूं घर वाले जरूरी गल करन लगे बाहर कढ़ देंदे ने। ओ औरतां आके सोशल मीडिया ते घर वसाउण दे तरीके दसदियां ने जिन्हां नूं आप नूं 3-3 तलाकां होईयां हुंदियां। फेसबुक ते कई बंदियां ने ना नां ऐ लिखिया हुंदा टोनी किंग ते पता लगदा उहने पूरे महल्ले दा उधार देना। अच्छा एक मेरा दोस्त सी ना, मैं उहदे घर गया ते इक सड़ी रोटी ते कच्चा आलू रख के अगे बैठा ते रो रिहा। मैं कहा की होया? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਪਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੀ ਸ਼ੋਨੂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ। ਔਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਓ। ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਂ ਦਾਖਲ ਖਾਤੂਨ ਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣੇ ਸੇ ਇਨਕਾਰ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਫੂਲੋਂ ਔਰ ਫਲੋਂ ਕਾ ਤੋਹਫਾ ਭਿਜਵਾ ਦਿਆ। ਔਰਤ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵਾਮ।
अच्छा साड़ी आवाम ने भी नहीं पता लगता कि जो जुलूस कढ़िया किहदे आसे कढ़िया यदा मकसद की कई बंदे एवं खाम खा मालते ने एवं दुकाना के शीशे सोटियां मान गए नवाजी को लाना है पाकिस्तान को बचाना है नवाजी को लाना है पाकिस्तान बचाना कहते जुलूस कहता मैं नहीं पता हूँ इस जनानी कुछ हो गया ना तो पै पी टी आई तो जानी किस तरह कि भाई इन्होंने नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाया इस करके वह जनानी मर गई सिर बन के बैठी होगी काड़े वाले हाए मैं मर गई मेरा नवाज मेरा नवाजा जो तीन कन्ने ना बनेगा मैं इतों इलाज नहीं करा मैं डिसप्लिन भी नहीं खानी लै जाओ मैं गोली अग लानी मैं तेजे इलाजा दफा हो जाओ कि चुक के लै जाओ अपन सारे टीके हाए खाना खराब हो कीड़े पै जाए टीकों से नहीं बोतल तड़िया चूहिया पी जान मेरे किस काम दियाँ मेरा मियाँ ही इतने है नहीं मैं कदली इलाज कराव यहाँ प्रोग्राम में शामिल करते हैं इलिज़ाबेथ रॉय की आवाज़ में एक सॉन्ग हो जाए